चलिए अभी हम लोग करेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले करेक्टर को स्टार्ट करने से पहले पहली प्लानिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ लेके आप रेफरेंस को समझो। रेफरेंस के साथ साथ आपको क्या समझना है, आपको ये भी देखना है कि आपका जो पार्ट है, ठीक है, आप जो मॉडल बना रहे हो उस मॉडल के बारे में एनाटॉमी को समझना है क्या। तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमाइज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टॉर्सेस का मसल्स को समझता हूँ, ठीक है। मसल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को समझो। कभी भी कोई जैसे हम लोग करेक्टर बनाते हैं, अभी मुझे देखो लॉयन का करेक्टर बना रहे हैं, टाइगर का करेक्टर बना रहे हैं, कोई भी हम लोग करेक्टर को टच करते हैं, तो करेक्टर को टच करते हैं हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले बेसिक एनाटॉमी को सर्च करना पड़ता है। अभी देखो इसमें एनाटॉमी सर्च आपका ऐड ऑन करके दिया हुआ है कि देखो अभी मैं यहाँ पे जो भी कोई काम करने वाला हूँ इनके कुछ एक पार्ट को इस टाइप से मैनेज किया कि भाई आपके पास चीज़ें हैं क्या और किस टाइप से चीज़ों मैं फुलफिल कर सकता हूँ। तो अगर मैं देखो यहाँ पे बॉडी का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे रखा है, साइज छोटा करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे देखो ये आपका सिंपल पार्ट, आपका चेस्ट का पार्ट आपको यहाँ पे दिया, ये हैंड का पार्ट आपके पास ऐसे जा रहा है, ये आपका देखो रिब केज का पार्ट आपको यहाँ से देखो यहाँ पे, ये रिब केज का पार्ट आपका ऐसा जा रहा है क्या, ठीक है। अभी ये चीज़ को हम लोग देखें तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, भाई मेरे पास मसल्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैं वैसे मसल्स दिख रहे हैं हमें, जब स्कल्प करेंगे स्कल्प कर तक मुझे यहाँ पे मसल्स को कुछ स्टेप से दिखाना है तो मैं यहाँ पे फिर काम को अच्छे तरीके से मैं कर पाऊँगा क्या। तो बेसिक स्ट्रक्चर को मैं समझूंगा यहाँ पे, तो बेसिक स्ट्रक्चर को समझ तक मुझे यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा ये जो शेप मेरे पास जा रहा है वो ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी लेग का मसल्स है तो लेग का मसल्स के स्टेप से जा रहा है, आप यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा समझोगे हाईलाइट करोगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप क्या काम कर सकते हो अभी यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, भाई जॉ लाइन कैसा है, ठीक है, किस टाइप से चीज़ को देखेंगे यहाँ पे, ओके, ठीक है। बेसिक हमने यहाँ पे देख लिया, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इस कैरेक्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस कैरेक्टर को बनाने के लिए सबसे पहले मेरी प्लानिंग क्या होगी, इनमें रेफरेंस को जैसे मैं कट करने वाला हूँ, ठीक है। कट करोगे अभी यहाँ पे आपको रेफरेंस को सेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने लेयर को अनलॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल आर फॉर रूलर, आपको इमेजेस आपको यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट को आप कैसे सेट कर रहे हो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ये पार्ट हमने सेट किया, अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो कंट्रोल एंड माइनस यहाँ पे, ठीक है। और देन ये पार्ट मैंने यहाँ तक सेट किया, कंट्रोल जे कर लो, कंट्रोल जिससे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और देन मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो वी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन हम लोग चीज़ों को ऐसे कुछ बैलेंस कर सकते हैं, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रंट और साइड यहाँ पे अभी मुझे सेंटर पे लेके जाना है तो मैं कैसे लेके जाने वाला हूँ, देखो फिल अमाउंट कम करना तो मुझे यहाँ पे देखेगा भाई ऐसा कुछ पार्ट है, थोड़ा सा सेंटर वाइज मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ तो मैंने रूलर किया ही है। तो यहाँ से मैंने लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ, मेरे पास ये चीज़ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तभी मुझे यहाँ पर सेंटर लाइन पता चल गया तो मैं साइड वाले पार्ट को मैं ऐसे ही मैं मैनेज कर दूंगा, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सेट किया, अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, सी फॉर क्रॉप, मैंने सी प्रेस कर दिया एंड मैंने क्रॉप कर दिया, क्रॉप मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ तक मैं काम खत्म करना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस जगह पे ओके एंटर करता हूँ आप यहाँ पे तो आपका जो बाकी के पार्ट है वो गायब हो जाएंगे। फिल अमाउंट फुल किया मैंने यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, रेफरेंस को सेट करोगे, रेफरेंस को सेट करते हो आपके पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, देखो यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ ये मेरे पास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जब चीज़ों को सेट किया, सेट करते हो मुझे यहाँ पे क्या आइडिया मिला, चाहे मेरे पास ये फ्रंट है, मैं यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे लाइन है ना, अभी लाइन ड्रॉ करने का एक प्रोसेस है यहाँ पे, सिंगल रॉ मार्की टूल, ओके। यहाँ पे क्या मैंने जस्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंगल कॉलम किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, और आपने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट अ न्यू लेयर, आप यहाँ पे कलर फिल कर सकते हो, कलर ऐसा फिल करना जो आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, लाइक मैं ग्रीन कलर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑल्ट एंड बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल डी डिसलेक्ट कर दिया, कंट्रोल एंड सेमी कॉलन एंड कॉमा, यहाँ देखो लाइन मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी मैं सेव कर सकता हूँ, फाइल सेव एज, सेव टू कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है, फ्रंट एफ आर ओ एंटी फ्रंट, ठीक है, टैब एंड जेपैक, यहाँ पे हम लोग साइड पे जाते हैं, ठीक है। साइड पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल सा पार्ट एक सॉलिड ले लेते हैं, मेरे को डिस्टर्बेंस ना हो, तो मैंने ऐसा कुछ किया भाई मुझे साइड में ऐसा ही चाहिए, तो मैंने जस्ट कलर पिक कर दिया यहाँ पे, फाइल सेव एज ए साइड, ठीक है, एस आई डी साइड एंड टैब एंड जेपैक साइड कर दिया यहाँ पे। साइड में एक काम हम लोग और कर लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल टी, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको
हॉरिजॉन्टल भी आप यहाँ पे करके देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप ऐसे भी करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। वहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब चीज़ों को मैनेज करने जा रहे हो, ठीक है, तो वो पार्ट मुझे यहाँ पे दिखता नहीं है, तो मैं यहाँ पे साइड पे मैंने ऐसा किया, वी प्रेस किया, एक साइड एंगल हम लोग सेफ साइड में ये भी लेके चलेंगे, भाई मुझे ऐसा भी चाहिए, तो लेफ्ट और राइट में कई बार दिक्कत आती है, तो हम लोग ऐसा मैनेज कर सकते हैं। फाइल सेव एज यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे, ओके, देन जेपैक यहाँ पे गए, ठीक है, अभी यहाँ पे राइट साइड करके मैं दे सकता हूँ, तो आर प्रेस कर दिया, आर एन अंडरस्कोर, ठीक है। चलते हैं जीवर्स में, जीवर्स में गए, यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमा प्रेस करो, आपके पास है लाइट बॉक्स, लाइट बॉक्स में गए, लाइट बॉक्स में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अभी यहाँ पे मैं देखो मुझे यहाँ पे ग्रिड पे जाना है, ग्रिड पे जाके मुझे यहाँ पे फेस वाले पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे कोई भी चीज़ बनाना है, तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहला काम मैं किससे स्टार्ट करने वाला, मैं सपोज मैंने स्पेयर लिया, तो मैं स्पेयर से स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है, स्पेयर किया एंड टी प्रेस कर दिया, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फोकस, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फोकस करके यहाँ पे मैं रेफरेंस को पहले सेट करता हूँ, तो रेफरेंस को कैसे सेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे ड्रॉ पे गए, यहाँ पे टैब पे क्लिक कर लो अब यहाँ पे, और देन यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रंट एंड बैक, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इम्पोर्ट, ओके, और देन यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस करता हूँ, मेरे रेफरेंस कहाँ है, यहाँ पे रेफरेंस है, तो करेक्ट है कि मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया यहाँ पे, कंट्रोल सी देन कंट्रोल टैब, ठीक है, आप यहाँ पे करेक्टर का जो भी रेफरेंस है आप यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, देन एड्रेस प्लेस कर दो। फ्रंट पे हमने किया, ठीक है, देखो यहाँ पे फ्रंट पे मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी फ्रंट पे आने के बाद देखो मैंने फ्रंट पे तो चीज़ों को मैनेज किया, अब फ्रंट पे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, अभी यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि फ्रंट में मेरा जो करेक्टर आया है वो सही है कि गलत है, तो ये चीज़ मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। दूसरा आप बी प्रेस करोगे, बी या आप एक्स प्रेस करो, एक्स से आपको देखो ये सेंटर लाइन यहाँ दिख रहा है, जब सिमेट्रिकल वर्क करोगे तो यहाँ पे सेंटर होना चाहिए, मेरे पास ग्रीन लाइन इधर आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, ये देखो यहाँ पे ये सेट करना जरूरी है, देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, देखिए देखे यहाँ पे, तो अभी मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा और मैनेज कर लूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर वे में दिख जाएगा, देखो देखे यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे पहला काम यही करना है कि आप यहाँ पे रेफरेंस को कैसे सेट करते हो, ये हमने सेट किया, जब तक आपका फ्रंट और साइड सही नहीं आएगा तब तक आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। फ्रंट पे गए, फ्रंट हमारा हो गया, अभी चलते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट, ये राइट साइड में यहाँ पे कर देते, देखो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पर आ गया। अभी मैं चीज़ों को मैं ऐसे भी मैं मैनेज करता हूँ, तो भाई मुझे शेप्स को कैसे चाहिए, यहाँ पे चीज़ें फुलफिल लिख रही है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अभी कैरेक्टर को बनाने का मेथड देखो, अलग अलग मेथड हैं, जैसे आपको मैंने जी स्पेयर का मेथड बताया, अलग अलग तरीके से भी बताया। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे काम करने के बाद मैं चीज़ों को एक बार फुलफिल करता हूँ कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी चीज़ों को बनाने के देखो अलग अलग तरीके हैं, किस तरीके से आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने स्पेयर लिया, अभी आप स्पेयर से बनाना चाहो तो मैं स्पेयर से बना देता हूँ, ठीक है, जी स्पेयर से बनाना चाहो जी स्पेयर से बना देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे चीज़ों को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो डू वन थिंग, जैसे देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, उन ऑप्शन को यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे मैं चीज़ों को अलग अलग वे में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गए सिंपल द पार्ट, यहाँ पे मैंने मूव टूल लिया और मैं यहाँ पे एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मूव टूल लेने के बाद सबसे पहला पार्ट मेक पॉल में 3D कर लेना, नहीं तो आपको ब्रश काम नहीं करने वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखे, तो बेटर दिखाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ को मैं थोड़ा सा स्केल कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, स्केल, स्केल किया मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मूव पे गए, यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ब्लॉकिंग कर लेनी है, ब्लॉकिंग कैसे करने वाले, देखो ब्लॉकिंग मैं आपको थोड़ा सा ईजी वे में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे तो स्किल करके मैनेज कर दो, देखो ये पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। अभी आप चाहो कि मुझे ऐसे ही कुछ पार्ट मुझे मैनेज करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट आपको एक डिफरेंट वे में एक दूसरे मेथड से आपको चीज़ को बताता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर से मैंने डुप्लीकेट किया, यहाँ पे मैंने इसे और मैनेज कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, ठीक है।
अभी यहाँ पे मैं चेक करूँ, ड्रॉ पे गया, यहाँ पे एक्स देखा अभी ये पार्ट आप यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे अगर आप ट्राई करो तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम सब टूल में गए, सब टूल में यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आपको देखिएगा, मर्ज डाउन या मर्ज विजुअल, आप कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। मैं सिमिलर भी करूँ तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये पार्ट ऐसे किया कि देखो यहाँ पे चूक में मैनेज कर सकता हूँ, मैंने मर्ज कर दिया, सब पे काम आ रहा है। मूव टूल से कमांड सेट करो, हमारे पास जब हम लोग काम करते हैं तो काम करते हमें क्या दिक्कत आती है, वो दिक्कत मैं आपको बताता हूँ। क्या देखो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, सब टूल का एक बार क्रॉस चेक करो, यहाँ पे ये मर्ज हुआ नहीं है, ठीक है। तो मर्ज विजुअल किया मैंने यहाँ पे, क्रॉस चेक करो, ये होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस वन ये ऊपर वाला पार्ट मैंने सेट किया यहाँ पे, मर्ज डाउन ओके कर दिया, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बनाते हैं, भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ऐसे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस किया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा साइड में भी जाके थोड़ा सा मैनेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, मेरे पास ये पार्ट देखें यहाँ पे, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, चेस्ट वाला पार्ट है, चेस्ट वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैंने अलग अलग स्प्रे लेने का आपको प्रोसेस भी बता रहा हूँ, लिया क्यों, क्योंकि हम लोग को बाद में सेगमेंट्स की बड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग एक ये नया मेथड भी हम लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं, इस मेथड से भी आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने काम किया, अभी मुझे फ्लो देखना है, तो मैं फ्लो के लिए यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट फॉर ए टाइमिंग जीमेट्री पे गए और मैंने यहाँ पे क्या डायनेमिक्स पे गया, डायनेमिक्स कर दिया मैंने पे, ठीक है। डायनेमिक्स क्या काम करता है, ये चीज़ों को एक साथ जोड़ देता है, तो सेफ्ट एंड स्मूथ है यहाँ पे। अभी आप चाहो तो आप यहाँ पे मूव टूल पे गए और आपने ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिया, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, बिग ब्रैकेट से आप साइज़ को थोड़ा छोट मैनेज करो, ठीक है। ये पार्ट आपको कैसे दिख रहा है यहाँ पे, अभी साइड में आके आप देखोगे साइड में आपको कैसा है। पहले तो ये मैं मटेरियल चेंज करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चीज़ों को कुछ ऐसा चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे जो पार्ट है फ्रंट और साइड से कैसे मैनेज हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर से ब्लेंड करके थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, फिर देखा एक स्पेयर से लिया तो मैं यहाँ पे चीज़ों को दोस्तों मैं ब्लेंड करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे मुझे यहाँ पे किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे दूसरा पार्ट यहाँ से मैंने इसको ऐसे घींच दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ ब्लेंड कर सकते हो आप यहाँ पे चीज़ों को दोस्तों मैनेज करो, ओके, ठीक है। ऐसे करके मैं दोस्तों मैं मैनेज कर सकता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा काम करना है तो मैंने ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, ब्लेंड करके मैनेज कर देते, मेरे पास ऐसा कुछ शेप्स दिखेगा, ठीक है। तो चीज़ों को हम लोग इस टाइप से मैनेज कर सकते हैं, ओके ओके। यहाँ पे सेट कर दिया मैंने बेसिक, एक पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, मेरे बेसिक पार्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे क्या काम करना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे चीज़ को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे क्या क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंसर्ट प्रिमिटिव्स पे गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका स्पेयर ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जिस पे यहाँ पे सिंपल स्पेयर लेता हूँ यहाँ पे, मैंने स्पेयर लेके मैंने ऐसे दिखाया, मेरे पास यहाँ पे एक पार्ट क्या सारा है, ये पार्ट मैंने ऐसे मैनेज किया यहाँ पे। मूव पे गए, मूव एंड रोटेशन, ये पार्ट आपको यहाँ पे देखने वाला है। टॉप पे गए, ये पार्ट आपके पास ईजी है, ठीक है। साइड में जाओ, साइड में आपको देखिएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा एंगल चेंज करना आप यहाँ पे, ठीक है। साइड में हम लोग देखें, साइड में मेरे पास कैसे पार्ट, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मैनेज किया, ठीक है। अभी अलग बनाने का एक बेनिफिट आपको दिखाता हूँ, स्केल करो, देखो स्केल करो आप यहाँ पे, इसको ऐसे मैनेज करो। अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ आप, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे थोड़ा सा चीज़ों को कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। टॉप पे गए, टॉप से आपको ये आइडिया मिलना चाहिए, आप भी आप रोटेशन दे रहे हो, रोटेशन में आपके पास कैसा दिखेगा आपको यहाँ पे, देखो ठीक है। तो अभी टॉप का आपको आइडिया होना चाहिए, टॉप में कैसा पार्ट आपको दिखने वाला है ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, मूव टूल पे यहाँ पे देखो, मूव टूल पे जाता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा सेट किया, भाई मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक स्पेयर को मैं एक एक जगह पे जोड़ना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना, तो मैंने ऐसा ब्लॉकिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे जितना ब्लॉकिंग हो सकता है मैं वैसा ब्लॉकिंग करके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे गए, टॉप पे जाना तो मुझे यहाँ पे पीछे का भी ब्लॉकिंग वाला पार्ट यहाँ पे सेट करना है, देखो कंट्रोल एंड डिसलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, इस पर गए आप यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे ये पार्ट आपके पास ऐसा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा होता है और देन ये बीच में से आपका ये बैक वाला पार्ट आपका अंदर की तरफ जाते हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा ऐसे कुछ मैनेज कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे पास चीज़ें वैसे विजुअल नहीं है तो वैसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने जो भी ज्योमेट्री यहाँ पे लिया, उस ज्योमेट्री में यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ही में ज्योमेट्री आपके पास यहाँ पे है।
आफ्टर देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके देखूँ टॉप पे गए, टॉप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, टॉप के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा चीज़ को इधर से बैक, इधर से बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है पार्ट में तो यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ पे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे दिखने वाला है ठीक है। साइज आप यहाँ देखो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर ओके। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और भी क्या काम कर सकते हैं, ड्रॉ पे जब गए तो ड्रॉ पे एक ऑपेसिटी करके भी ऑप्शन मिलता है क्या ठीक है। यहाँ पे देखो फिल मोड है यहाँ पे ठीक है, ग्रिड साइज है, फिल मोड है यहाँ पे, यहाँ पे ऑपेसिटी है। तो ऑपेसिटी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये डेप्थ कम देखेगा और मेरे पास पीछे का रेफरेंस ज़्यादा अच्छा देखेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पार्ट मैंने यहाँ पे किया, दूसरा पार्ट फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया आई प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे इंसर्ट मैश। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, ये मैंने ऐड ऑन किया यहाँ पे ठीक है, ऐड ऑन करके मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, मूव किया मैंने यहाँ पे ठीक है। लेफ्ट में गए, ये पार्ट आपका कहाँ जा रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ जा रहा है ठीक है। तो अभी आपने ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट किया, आप फ्रंट पे जाते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा अच्छा मुझे यहाँ पे ये ऐड ऑन करना है यहाँ पे ठीक है। तो मैं चीज़ों को ऐसे ही करके स्टेप से मैं मैनेज करता हूँ भाई, मुझे जितना बेसिक शेप्स को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ें वैसे मिल जाएंगी यहाँ पे ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को तो समझो, यहाँ पे स्केलिंग किया, हल्का सा रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, और ये पार्ट मैं यहाँ से यहाँ तक सेट करता हूँ। तो आपको जस्ट प्रोपोर्शन सेट करना है, बेसिक ब्लॉकिंग सेट करनी है, बाकी काम आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। अभी लगता है ठीक है मैंने यहाँ पे किया, तो मैं यहाँ पे मूव करके थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ देखो ठीक है। मैं ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है। उस एंगल में भी सेट किया यहाँ पे, तो इस एंगल में भी सेट करते हैं यहाँ पे ठीक है, और यहाँ से भी थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। तो ब्लॉकिंग वाइज चीज़ों को मैं अच्छे से मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो हम लोग किस टाइप से काम करें यहाँ पे। और नेक्स्ट अभी यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर गए ठीक है, आई प्रेस कर दिया, इंसर्ट 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 मैश, यहाँ पे प्रिमिटिव्स पे गए, मैंने यहाँ पे एक स्पेयर और ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे ठीक है। ऐड ऑन मैंने किया यहाँ पे ठीक है, मैं मूव पे जाता हूँ यहाँ पे, फ्रंट पे आके चेक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पहले इधर और ऐसे ठीक है, स्केलिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन दे दो आप यहाँ पे, आपको तो आइडिया मिल जाएगा ठीक है कि आपको यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे आप यहाँ पे ठीक है। अभी आप चीज़ों को ऐसे बैलेंस करो, लेकिन आप साइड में गए, साइड में जाने के बाद मैं यहाँ पे देखूँ भाई यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक ब्लॉक किया, ऑफिस मूव टूल पे आ गए, मैं इस चीज़ को यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, रेफरेंस को थोड़ा सा कवर करके चलो क्या, कितने रेफरेंस के साथ आप डील कर सकते हो, किस टाइप से आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे अभी ये पार्ट मैंने इधर से और ये पार्ट मुझे इधर से भी मैनेज करना है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे मैनेज करने के बाद मैं यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस कर देता हूँ, भाई मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम करना है तो ऐसे ही चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं अपने ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन किया, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा क्या, अब यहाँ से मैं बैलेंस कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला कि चीज़ों को अगर मैं थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना हो तो मैं ऐसे भी मैं मॉडिफाई करके दिखा सकता हूँ। तो अभी आपका ब्लॉक रेडी हो गया, आप यहाँ पे ब्लॉकिंग में ऐसे कुछ काम कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद आपका फुट वाला पार्ट भी है, तो अभी फुट वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आई प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी फुट वाले पार्ट के लिए मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, देखो यहाँ पे चीज़ें बहुत सी हैं, मैं स्पेयर ही प्रेफर करता हूँ भाई, स्पेयर को प्रेफर करें तो स्पेयर मैंने लिया यहाँ पे ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे स्पेयर ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, अभी एक बार लो तो उसको समझो क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया मूव टू लिया, ऐसे नहीं आप चीज़ों को ऐड ऑन ही करते जाओ, जस्ट आपको यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ काम किया तो थोड़ा सा चीज़ को मैं देखता हूँ, ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, लेफ्ट में गए ठीक है, ये पार्ट में बस ऐसा कुछ दिख रहा है ठीक है। मुझे अभी हाफ यहाँ पे चाहिए तो मैं कितना मैं मैनेज कर सकता हूँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पे मैंने मैनेज किया, इतना पार्ट मुझे चाहिए तो मैंने इतना पार्ट यहाँ पे लिया ठीक है। अभी यही पार्ट को मुझे यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़े तो मैं कैसे ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा भाई, मुझे यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी फ्लैट में आप या तो ऐसे खींच लो, इतना आपने लिया ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया सिंपल सा पार्ट, आप ड्रॉप पे गए, ड्रॉप पे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया मूव टू लिया, और आपने यहाँ पे क्या किया आप इसी को खींच के आप बड़ा कर देते हैं यहाँ पे ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा पार्ट साइड को सेट किया यहाँ पे ठीक है, मैं चीज़ों को तो समय मैनेज कर देता यहाँ पे ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ देखना ये पार्ट आपका यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी फ्लैट कर सकता हूँ, मेरे पास एक कटिंग का टूल होता है, मैं उसके थ्रू भी मैं फ्लैट कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ देखो यहाँ पे पार्ट आपको देखना है, यहाँ पे ये पार्ट अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे कैसा चाहिए, साइड में पार्ट ऐसा है, फ्रंट में अगर मैं देखूँ तो फ्रंट में पार्ट मुझे इधर से इधर तक जाता हुआ नजर आया। तो ये पार्ट आपका ऐसे ब्रॉड है, ये पार्ट आपका ऐसे ब्रॉड है, ये पार्ट आपका ऐसे निकल रहा है। तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा ठीक है, कि मुझे यहाँ पे शेप्स को कैसे मॉडिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे सेफ्ट एंड स्मूथ ये मैंने मैनेज किया यहाँ पे,
ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ से मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे एक आपका होता है क्लिप रेक्टेंगल टूल है, आप वो यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर लो। ठीक है, क्लिप कर्व टूल है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ देखो शेडिड पार्ट कहाँ से है, देखना है पे। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं ऐसे भी मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ पे, फ्लैट वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आपके। ठीक है, मैं मूव टूल पे गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं पे क्या करता हूँ, मूव टूल पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे मैनेज करना है तो साइज़ को मैंने थोड़ा सा आप कर दिया पे देखा था। ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को अगर थोड़ा सा मैं बैलेंस का, तो मुझे थोड़ा सा बेसिक अनॉट के साथ मुझे डील करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को स्विफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दें यहाँ पे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे दिखाएं। ठीक है, पार्ट में बस यहाँ पे थोड़ा सा कम भी करेंगे ये पार्ट यहाँ पे। ठीक है, अभी ये पार्ट में यहाँ से थोड़ा सा ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पे रेडी होकर आ जाएगा क्या। अभी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ मैं अगर डील करता हूँ तो मैं अभी डिटेलिंग में नहीं जा रहा। ठीक है, डिटेलिंग में अभी मुझे जाना भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे जिसको मैं थोड़ा सा मैं ऐसे बैलेंस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने काम किया, यहाँ पे चीज़ों को दिखाया, ऐसा कुछ पार्ट हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप एक बार फ्लोर ऑफ करो, आपको देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बेसिक ब्लॉक करने के बाद हम लोग चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं चीज़ों को मैं अगर मैनेज करूँ तो मैनेज करने के लिए मुझे थोड़ा सा एनाटॉमी की नॉलेज चाहिए क्या। तो एनाटॉमी के लिए मैं पे क्या काम करने वाला हूँ, चीज़ों को कैसे फुलफिल करें वो हम लोग देखते हैं क्या। ठीक है, फ्लोर मैंने दिखाया, अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा काम आपको बेसिक से दिखा देता है। जैसे मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे काम चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मेरे पास बैक वाला पार्ट होता है तो बैक वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पर होता है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट कंट्रोल एंड डिसलेक्ट यहाँ पे गया। ठीक है, ये पार्ट देखना यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे स्कल्प करके ये पार्ट देखना आपको, यहाँ पे ये जेड इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया एक पे करना। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, सेफ एंड स्मूथ आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये बैक वाले पार्ट पे आप यहाँ पे दिखा सकते हो, मेरे पास बैक मसल्स किस टाइप से जाने वाला, तो मैं ऐसे करके मैं दिखाऊंगा मेरे पास यहाँ पे क्या पार्ट कैसा है, और यहाँ पर चीज़ों को मैंने थोड़ा सा दिखाया तो मुझे इस चीज़ों को कैसे लेके जाना है मैं ऐसे थोड़ा सा दिखाऊंगा मेरे शेप्स कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं लुक एंड फील ऐसे देना चाहूँ। ये वाला पार्ट मैं अंदर की तरफ यहाँ से आता है। ठीक है, रिप केज वाला पार्ट है, रिप केज वाला पार्ट भी मैं यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ तो मेरे पास रिप केज वाला पार्ट भी यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। एक चीज़ और ध्यान देना, शिफ्ट प्रेस करोगे यहाँ पे इंटेंसिटी कम करके स्मूथ करना है क्या, नहीं तो सारा डिटेल चला जाएगा आपके यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैनेज करने के बाद यहाँ पे चीज़ों को जस्ट, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ। यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा डेप्थ दूंगा पे, क्योंकि डेप्थ मुझे यहाँ से निकालना, तो मैं बस बैक वाला पार्ट में बस यहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बैक वाला पार्ट निकाला यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। फ्लोर पे गए देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे विजुअल है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा काम ऐसे करके दिखाओगे भाई। साइड में अगर गया तो साइड में मेरे पास बैक कैसा कैसा आएगा इधर वाले पार्ट से। तो मुझे अभी क्या काम करना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। देखो रिप केस मतलब ये पार्ट आपका यहाँ पे, और रिप केस का मतलब आप यहाँ पे अगर काम करो तो आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कि मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकता हूँ। देखो तो मुझे एक आइडिया मिला भाई, मेरे पास यहाँ पे रिप केस वाला पार्ट यहाँ से ऐसे जाने वाला है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा बेसिक से इम्पैक्ट दिखा दूंगा मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा लुक एंड फील देते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम ही करता हूँ, मैंने फ्लोर लिया, फ्लोर के साथ में चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ब्लॉकिंग ही रेडी करते हैं, बाद में डिटेलिंग पे आएंगे। तो मैंने आई प्रेस किया, क्योंकि मैं अगर डिटेलिंग नहीं दूंगा तो लाइक ब्लॉकिंग करने के बाद डिटेलिंग हो तो मेरे ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक मैंने स्पेयर लिया, देखो देखो यहाँ पे ये स्पेयर आपके पास ऐसे दिख रहा है। ठीक है, एक स्पेयर आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, सेट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी ये स्पेयर मैंने लिया तो स्पेयर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करके देखो, यहाँ पे रोटेट किया, मुझे यहाँ पे इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ पे गया, मूव पे गया, यहाँ पे मूव पे जाने के बाद मैं पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मूव यहाँ से मैनेज कर देता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिखना चाहिए। ठीक है, फ्रंट पे गए, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, मेरे पास देखो ये पार्ट ऐसे दिख रहा है, तो ये शेप्स को मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे मॉडिफाई किस टाइप से करना है। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं सेट किया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। ओके, अभी मैं चाहूँ तो इसमें एक अलग सा इसी को भी मैं मैनेज करके घिस सकता हूँ, नहीं तो मैं अदरवाइज मैं अलग से भी ले सकता हूँ। कोशिश करो जो पार्ट आप अलग से ले सको ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको डिवीज़न थोड़ा सा बच जाए। लाइक डिवीज़न हमें जो चाहिए वो हर जगह पे थोड़ा सा पार्ट ऐसा कुछ चाहिए, तो ऐसा कुछ मैं पार्ट ऐड ऑन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने पार्ट दिया, यहाँ पे मस्त चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्पेयर
और ले लेता हूँ यहाँ पे। तो क्लिक किया मैंने यहाँ पे, आई प्रेस कर दिया इंसर्ट स्फीयर, ठीक है। देन मैंने स्फीयर एक यहाँ पे सामने पे आकर ड्रॉ करेंगे ताकि मैं वो सेंटर पे पार्ट आ सके। रखा हुआ ये ड्रॉ किया, मूव टूल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मूव टूल करने के बाद मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ये मैंने मूव टूल से यहाँ से मैंने मैनेज किया कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ब्लॉकिंग आपका कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉकिंग के साथ आपको देखो आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास शेप्स कैसा दिखने वाला है। ओके, तो मैं ब्लॉकिंग के साथ ही डील कर रहा हूँ। ऑफिस गए, यहाँ पे देखो हैंड वाला पार्ट है, हैंड वाले पार्ट को ही पकड़े आप यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, आई प्रेस कर दिया, ठीक है, सेपरेटिव्स, ठीक है, इंसर्ट स्पेयर लिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करो तो ऐसा फ्लैट भी आता है, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ पे फ्लैट किया तो ऐसे भी काम हो जाएगा आपको, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं पे तो और सब चीज़ों को जस्ट बैलेंस कर देता हूँ पे, भाई मुझे यहाँ पे तो और सब चीज़ों को मैनेज चाहिए, ठीक है। टॉप पे गए, अभी टॉप पे जाना है मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं अपने जो हैंड वाला पार्ट है इसको मैं लाइक एक आर्क मेंटेन करना होता है। तो टॉप पे गए, ये पार्ट आपका यहाँ पे ऐसे ये पीछे की तरफ, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे टिल्टेड होता है, तो ये टॉप वाला एरिया आपको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट सिंपल सा पार्ट, ओके। मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, और देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को वर्कआउट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखें यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे, तो मैंने इधर से थोड़ा सा मैनेज कर दिया। अभी फॉर्म्स वाले पार्ट में देखो यहाँ पे काम दिख रहा है, यहाँ पे मैंने किया। अभी मैं हैंड वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, हैंड वाले पार्ट में यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसी पे हम लोग एक और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। गो टू टॉप व्यू, टॉप व्यू पे गए, यहाँ पे साइज मैंने मैनेज कर दिया, साइज थोड़ा छोटा कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, तो शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे सिंपल द पार्ट। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई प्रेस कर दिया मैंने इंसर्ट में, फिर से मैंने स्पेयर लिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए क्लिक कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पार्ट ऐसा भी है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने मैनेज किया, देखो हर तरीके से यहाँ पे मैनेज हो जाता है, ये भी ध्यान देने के। मूव पे गए, यहाँ से सही है, ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन दे दें यहाँ पे, यहाँ देखो रोटेशन भी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे टॉप पे गए, तो मैंने यहाँ पे स्केल कर दिया यहाँ पे, ये देखो आपको वन साइडेड स्केल कर रहा हूँ, तो मुझे फ्लैट भी चाहिए, तो फ्लैट में ऐसा भी काम चाहिए, ठीक है, ऐसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ओके। तो मैं चीज़ों को ऐसे भी फुलफिल कर सकता हूँ, ओके। ये पार्ट मैंने ऐसे ऐड ऑन कर दिया, देन यहाँ से मैं चीज़ों को इस तरह से बैलेंस करूँगा, क्या ठीक है। अभी जो फिंगर वाला पार्ट है, फिंगर वाला पार्ट भी आपका अलग अलग है, ठीक है। एक एक पार्ट को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो एक पार्ट आपका इधर निकला है, बाकी के आपके पार्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एक बार हम लोग रेफरेंस को भी देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा भाई रेफरेंस में मेरे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो साइड वाले पार्ट में आपको यहाँ पे देखिएगा कि आपके फिंगर कितने हैं यहाँ पे, आपके तीन फिंगर इधर हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, तीन इधर है और एक उधर है, एक थंब है, ठीक है। तो वो चीज़ में वहाँ से क्लियर कर लेना है। अभी ड्रॉ पे गए, यहाँ से मैंने पार्ट किया, अभी यहाँ पे देखो यहाँ मेरे पूरा बेसिक ब्लॉकिंग मेरे पास यहाँ पे रेडी है, ठीक है। अभी मैं सिंपल फिंगर वाला पार्ट को अगर मैं ऐड ऑन कर दूँ, तो मेरे यहाँ पे काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट वी वांट, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, और मूव टूल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मेक श्योर थोड़ा सा बैलेंस कर देना यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, देन मैनेज करके थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक फिंगर के लिए, फिर से एक फिंगर के लिए कहो आप सिंपल सा पार्ट आप यहाँ पे लेना चाहो, आप सिलेंडर ले सकते हो, सिलेंडर वाले पार्ट को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, सिलेंडर लिया आपने यहाँ पे, देन आपने पे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर दो, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे एक ड्रॉ करना चाहते हो, आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है। मैं एक एक ड्रॉ करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, देखो मैं मैनेज करना, क्या देखा, देखा यहाँ पे, यहाँ पे मैं जाके मूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे समझना क्या, अभी मैं एक ही पार्ट को मैं मैनेज करके दिखाऊँ कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी जा रही हैं। देखो ये पार्ट मैंने ऊपर लिया, यहाँ से मैंने रोटेशन दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एंगल से आपको थोड़ा डील करना है, शिफ्ट प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे भी है, ये पार्ट आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। तभी यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे भी देना है, ठीक है। तो शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास जो चीज़ें मैंने अभी बनाया है, बनाने के बाद मैं कुछ देखो मेरे पास टूल में क्या क्या चीज़ें हैं, तो अभी मैं यहाँ पे एक फिंगर के लिए, दूसरे फिंगर के लिए मैं थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे अगर एक सिंपल सा जॉइंट देना हो तो मैं जॉइंट दे सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैं अगर काम करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इस वाले पार्ट को, या तो मैं फिर से एक सिलेंडर ले लूँ, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पे सिलेंडर लिया मैंने यहाँ पे,
ड्रॉप पे गए, सिलेंडर लो, देखो यहाँ पे एक और सिलेंडर ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अपने सिलेंडर लिया आपने यहाँ पे, रोटेशन दे दो आप यहाँ पे, यहाँ पे दो सौ चीज़ों को थोड़ा टर्न करो आप यहाँ पे, देखो तो ऐसे करके भी आप चीज़ों को दिखा सकते हो आप यहाँ पे। एक सिंपल सा पार्ट आप थोड़ा सा मैनेज करो, मैनेज करने के बाद आप इसको जस्ट डुप्लीकेट करके मैनेज भी कर सकते हो। तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ब्लॉकिंग करना था मैंने ब्लॉकिंग किया, ब्लॉकिंग करने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर ऑफ करो, अभी देखो यहाँ पे आपका बेसिक ब्लॉकिंग आपके यहाँ पे देखेगा कि आपका चीज़ें है क्या, ठीक है। इसके सिवा इसकी पूंछ भी है, तो पूंछ को भी हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। अभी पूंछ बनाने के लिए हमें करना क्या होगा ये भी ध्यान देना, ठीक है। ये पार्ट तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड टूल पर आ जाते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पर हम लोग एक बेसिक सा पार्ट क्या करते हैं, यहाँ पे हमें बस एक होता है इंसर्ट होता है, तो इंसर्ट पे जाते हैं। मैंने जी स्पेयर लिया, जी स्पेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, जी स्पेयर को मैंने यहाँ पे क्या किया, मूव किया। मूव करने के बाद मैं देखा, ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे, स्केलिंग में अगर दिखाऊँ यहाँ पे, ये स्केल वाला पार्ट आपका यहाँ पे तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे, देन मूव कर दिया मैंने यहाँ पे, मूव यहाँ पे दिखाया, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ से चाहिए, तो मैंने स्केलिंग वाले पार्ट पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। मूव किया मैंने यहाँ पे, मूव करके यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं जब स्केल करूँगा, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा एरिया मैनेज कर देता, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ड्रॉप पे गया, तो ड्रॉप पे जाने में एक चीज़ और ध्यान देना, ड्रॉप पे जब आप जाओगे, ठीक है, एक चीज़ देख के जाना, क्या जैसे यहाँ पे ड्रॉप पे गए, एक लेफ्ट क्लिक कर देते यहाँ पे, सिंपल द पार्ट ड्रॉप पे जाकर आपको यहाँ पे क्लिक करना, तो आपका एक पार्ट आपका निकल के आएगा। मूव टू लो, शिफ्ट प्रेस करके देखो यहाँ पे, ध्यान देना साइज छोटा कर देना, ड्रॉ साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे और मैंने इसको पकड़ा, मैंने ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। सबसे पहले काम फ्रंट पे जाके चेक कर लो, फ्रंट एंड बैक ये सीधा ही रहना चाहिए, नहीं तो कई बार दिक्कतें आती हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको मैनेज किया, स्केल करना चाहते हो स्केल कर लो आप यहाँ पे, ये स्केल कर दिया मैंने, ठीक है। तो इधर ऊपर से मोटा नीचे से पतला हमें करना है, तो ऐसा कुछ करने वाले। अभी यहाँ पे मैं वापस गया ड्रॉ पे, यहाँ पे मैंने क्लिक करना स्टार्ट किया, एक क्लिक, दो क्लिक, तीन क्लिक, ठीक है। वापस गए मूव पे, इसको मैं एक एक करके मैं मैनेज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाके मैं स्केल भी कर सकता हूँ, देखो स्केल कर रहा हूँ पे, देखो स्केलिंग है मेरे पास यहाँ पे, तो ऐसे क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, पेशेंस से करना ताकि थोड़ा सा चीज़ दिखेगी। ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा रफ सा दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक दो पॉइंट और भी ऐड ऑन कर देना, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, क्लिक किया मैंने यहाँ पे और क्लिक कर दिया यहाँ पे भी, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करना, मूव पे गए, कर्व मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी कर्व मैनेज करोगे, देखो कर्व आपके से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, कर्व थोड़ा सा मैनेज और मेंटेन करना क्या। तो ये अगर बेसिक शेप आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप क्या काम करने वाले आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने कर्व मेंटेन किया यहाँ पे, देखो तो कर्व जैसे मेंटेन करोगे आपके पास वैसे चीज़ें बेटर दिखेगा क्या, कि आप यहाँ पे दिखा सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, सिंपल सा पार्ट, बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, ये पार्ट मैंने दिखाया पूंछ कैसे बन सकता है, प्रेस करोगे ए तो ये निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। तभी मैंने आपको दिखाया, देखो दो मेथड हैं, एक मेथड से मैंने यहाँ पे बॉडी खड़ा कर दिया, दूसरे मेथड से मैंने यहाँ पे पूंछ भी लगा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग जब आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे अभी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ मुझे चीज़ों को फुलफिल करना है, ठीक है। मेरे को फोल्डर में गया यहाँ पे, राइट क्लिक करके मैं इमेज को अलग से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एसी डीसी में हम लोग ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ये पार्ट मैंने सामने रखा यहाँ पे, ठीक है। और मैं जीवीएस में गया यहाँ पे, अभी देखो ये मेरे पास पार्ट है, ये मेरा स्ट्रक्चर है। अभी इन स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे कैसे मैनेज करने वाला हूँ ये आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले हमने ब्लॉकिंग किया, ब्लॉकिंग करने पे यहाँ पे देखो यहाँ पे जस्ट ये पार्ट मैंने यहाँ से देखा है भाई, मेरे पास ऐसा ब्लॉकिंग है। दूसरा पार्ट मुझे इसके हाथ और फिंगर में, जो फिंगर वाला पार्ट है उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है क्या, तो फिंगर वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो इस वाले फिंगर वाले पार्ट को जस्ट ऑल टू लेफ्ट क्लिक किया, दिख रहा है ये पार्ट आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे तीन फिंगर है, तो आप यहाँ पे चाहो तो उसकी भी डुप्लीकेट करके लगा सकते हो। तो एक पे मैं मेहनत करके इसका जस्ट डुप्लीकेट करके दिखा दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्विच किया ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखो यहाँ पे ड्रॉ पे गए, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, डिसलेक्ट, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे ब्लॉकिंग जो मैंने किया, ब्लॉकिंग करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको एक बेसिक शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो बस क्या ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे जेड रिमेसर है और डायनामेस है, डायनामेस पे क्लिक करते ये सब कुछ एक मैस हो जाएगा। देखो शिफ्ट एफ प्रेस करो, सब एक मैस आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी सारा एक मैस हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे चीज़ है, थोड़ा सा स्मूथ करना, अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ब्लॉकिंग पे जो हमने टाइम दिया, वो चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे इमेज को साइड में रखता हूँ, यहाँ पे एक एक चीज़ पर थोड़ा सा काम करते हैं यहाँ पे।
ब्लॉकिंग है मेरे पास यहाँ पे, तो ब्लॉकिंग के साथ में थोड़ा डील करता हूँ। मैंने पहले फ्रंट पे जाके काम करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे चेस्ट वाला पार्ट यहाँ पे दिखा रखा है, देखो चेस्ट और ये मसल्स वाला पार्ट आपको दिखा है कि मेरे पास यहाँ पे जो पार्ट है जो डेल्टॉइड मतलब शोल्डर वाला पार्ट आपको यहाँ दिखा है, तो आपको यहाँ पे चीज़ों को ऐसे कुछ ड्रॉ करना है जो आपको पार्ट यहाँ से दिखे। ठीक है, आप ऐसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे विजुअल है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे फ्लोर में जाओ, फ्लोर में जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल सा पार्ट आप यहाँ मास्क करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया, देखना यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से अभी यहाँ से मैंने फ्लोर ऑफ कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट क्या दिख रहा है, मैंने यहाँ दिखाया मेरे पास यहाँ पे मास्किंग वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ्लोरिंग के साथ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट स्किप किया मैंने यहाँ पे, फ्लोर यहाँ पे आपका पार्ट है आपके पास यहाँ पे, आप यहाँ पे मसल्स को इसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये आप इसके थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हो, आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे फ्लोर। ठीक है, ये पार्ट आपके पास ऐसे दिखा सकते हो आप यहाँ पे। दूसरी चीज़, मूव टूल का यूज़ करो बेसिक प्रोपोर्शन को मैच करने के लिए। अब यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, डिसलेक्ट कर दिया मैंने, मास्किंग हटाया, देखा पे ये पार्ट मुझे यहाँ से मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ से चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, तो थोड़ा सा बेसिक एनाटॉमी को थोड़ा सा ध्यान दोगे। देखो स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके देखो, यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो ये पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पीछे वाला पार्ट है। पीछे वाला पार्ट का मतलब क्या है कि जो बैक पे गया यहाँ पे, बैक पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट आपका यहाँ पे अलग से विजुअल है, इसको मैं थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, साइड पे गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं यहाँ से निकालता हूँ, क्या ये पार्ट देखा यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि अगर मैं थोड़ा सा काम कर भी रहा हूँ तो मुझे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखाऊंगा मेरे पास यहाँ पे, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं दिखा सकूँ। ठीक है, समझना है, देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे अंदर भी जा रही है, यहाँ से जो मैंने लाइन दिया इसका ये पार्ट आपका अंदर भी जाने वाला। तो मैंने यहाँ पे मास्क कर दिया, यहाँ पे मास्क करने के बाद मैंने दिखाया भाई मेरे पास बेसिक लोकन के लिए यहाँ पे दिया। इसका मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्विफ्ट एंड फ्रंट में आ गए हम लोग, यहाँ पे मूव टूल पे गए और ये पार्ट मैंने यहाँ से इसको अंदर प्रेस किया, भाई ये अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो ये पार्ट अंदर जाएगा तो आपको ये पीछे वाला पार्ट ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा आप स्टडी करते हो तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि आप कैसे क्या काम करने वाले हो। देखा, तो ये फ्रंट में आपने यहाँ पे काम किया, ये पार्ट हमने अंदर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ये जब मैंने पार्ट अगर एड ऑन किया तो मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस पार्ट यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है, देखिए कर्व जैसे दिख रहा है, तो मैं उस कर्व वाले पार्ट को यहाँ पर लेके आ जाऊँगा कि कैसे क्या काम करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मसल्स और बाइसेप्स वाला पार्ट जा रहा है वो भी आपको ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे मैं इस पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर से आपका पार्ट दिखे यहाँ पे, देखो देख रहे हैं ये मसल्स आपके इसके अंदर से दिखेगा कि भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैंने मास्किंग किया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे दिखेगा, इसके अंदर से आपका जो डेल्टॉइड वाला पार्ट या शोल्डर बोलो, शोल्डर वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। क्या ठीक है, देख रहे हैं बेसिक से स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे आप यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये तो आपको बैलेंस करना ही है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर अगर काम करते हो ठीक है, मसल्स आप कैसे आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, देन इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ये आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सा शेप आपको यहाँ पे देना, तो आप दे सकते हो। तो बेसिक आपका रिप केस के बाद ही आप चीज़ों को फुलफिल करोगे। यहाँ पे देख रहे हो आप यहाँ पे ये बेसिक सा बैक वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट को आपको यहाँ पे कैसे दिखाना है, जस्ट लाइक दिस यहाँ पे कर्व को, कार्टूनी को थोड़ा सा कर्व वाइज चीज़ों को मैनेज कर रखा है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को मैं जब बैलेंस करता हूँ, स्विफ्ट एंड स्मूथ बैलेंस किया मैंने यहाँ पे, और देन इसके बाद मैं स्ट्रक्चर को देखूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, बीच में आपका ऐप्स भी दे रखे हैं यहाँ पे देखो। ठीक है, बीच में आपके यहाँ पे ऐप्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो आपके ये ऐप्स यहाँ पे कर दिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ऐप्स आपने यहाँ पे सेट कर दिया पे। ठीक है, तो पार्ट भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे ऐसे करके देना है ताकि चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकूँ यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को ऐसे करके थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा जो मेरा बेसिक लेवल है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर का आप यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ पे ठीक है, ये बेसिक से एक आर्क मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन कर दिया यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे भी एक आर्क मेंटेन करना है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों के साथ भी थोड़ा सा मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट देना है तो मैं स्विफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट मैंने यहाँ से बैलेंस किया। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ, थोड़ा सा ब्लॉकिंग हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक ऐसा मसल्स इधर से आ रहा है, तो मसल्स यहाँ पे देखो कि आपको सिंपल पार्ट ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आप ऐसे कुछ दिखा सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, मसल्स को स्टडी करना। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे साइड में पार्ट आपको दिख रहा है, साइड में आपको यहाँ पे रिपकेज वाला पार्ट दिख रहा है। अगर मैं उसी एंगल में जाऊँ देखो, ये रिपकेज वाला पार्ट है आपका यहाँ पे, तो ये रिपकेज वाले पार्ट को आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देना है, ठीक है। क्या रिपकेज वाला पार्ट आपका यहाँ पे जा रहा है, ये पार्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करके देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को मैंने इधर से, ताकि ये पार्ट मैं यहाँ से दिखा सकूँ, मेरे पास ये मसल्स जो है जाएगी यहाँ पे, ऐसे कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और ये स्टमक वाला पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखें तो लाइक ये कनेक्टेड कहाँ हो रहा है ये भी ध्यान देना, ठीक है। साइड में गए, साइड पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैं मैनेज कर देता हूँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे मैंने मैनेज कर दिया पे, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लोर ले लो, फ्लोर ऑन करो दिखा पे। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरे पास यहाँ पे पार्ट कहाँ जा रही है, ये पार्ट मेरे यहाँ से कनेक्टेड है क्या यहाँ पे, तो कनेक्टेड होने के कारण मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे दिखाना पड़ेगा, मेरे पार्ट ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे। फ्लोर मैंने ऑफ किया यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिसलेक्ट किया मैं यहाँ पे, देख रहा ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे फ्लोर वाइज मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी दिखाया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ताकि मैं चीज़ों को ऐसे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। फ्लोर में दिखाया ये देखो पार्ट, तो ये आपका थोड़ा सा कनेक्टेड वाला पार्ट आपको दिखेगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, स्विफ्ट एंड स्मूथ कैसे किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कैसे चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है हम लोग यहाँ पे, ओके। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस कर देता हूँ कंट्रोल एंड आई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेस्ट वाले पार्ट को भी थोड़ा सा मैं बेसिक बेसिक मसल्स को थोड़ा सा यहाँ पे मैं डील करता हूँ, भाई मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट ये लाइक दिस यहाँ पे थोड़ा सा मसल्स को मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। डिसलेक्ट करना, हार्ड मत करना, थोड़ा सा ब्लेंड करके चलना है, कहीं पता चले आपने बहुत ही हार्ड कर दिया तो वो ऑड लगेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा बेसिक परमानेंट चीज़ों को मैनेज करना पे। देखना भाई ये पार्ट आपका ऐसे कुछ दिख रहा है तो आप ऐसे कुछ मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है। ये पार्ट हमने ऐसे कुछ किया, यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को, ठीक यहाँ पे मैं चीज़ें तो और चीज़ों को ब्लेंड कर देता हूँ, बस ब्लेंड में चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। अभी ये पार्ट आप फ्रंट से लो, साइड से लो, फ्लोर वाइज आप डील करो तो आपके यहाँ पे चीज़ दिखेंगी कि अगर आप यहाँ पे काम कर भी रहे तो आपको कैसे काम करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग जितना उसको उतना एडजस्ट कर देना आप यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक इन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना आप यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस करोगे आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर को बैलेंस करोगे, अभी आपके यहाँ देखा फेस है, फेस को देखो आप यहाँ पे, अभी ये जो पार्ट मुझे ऊपर दिख रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मुझे थोड़ा सा नीचे दबाव नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बिग ब्रैकेट से यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ को मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया कि मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ तो मैं ऐसी चीज़ को फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट है, थोड़ा सा मैनेज कर देना आप यहाँ पे, तो बैलेंस हो जाएगा आपके यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे देखें फेस पे भी देखें, तो फेस पे हम लोग देखें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें तो कुछ इस टाइप से है, ये पार्ट आपने ऐसे कुछ दिया यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे देखो, थोड़ा सा पार्ट ये साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाया, ठीक है। बेसिक साइज शेप को मैं थोड़ा सा मैं कवर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे अगर फ्रंट पे गया तो फ्रंट पे जा रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या पता चला, ये वाला पार्ट आगे से पतला है, पीछे से ब्रॉड है यहाँ पे, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ये आगे से पतला और इधर से यहाँ पे ब्रॉड, ठीक है। इधर से आपका पार्ट यहाँ पे दिखेगा, फ्रंट पे देखोगे आप यहाँ पे तो फ्लोर में ये देखो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे ऐसे कुछ दिखने वाला है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे मैं गया, मैंने फोकस शिफ्ट को मैंने कम कर दिया यहाँ पे, साइज पे गए छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक फ्लोर आप ऑफ कर देते हैं, देखिए आपको यहाँ पे ये पार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज किया, देखिए पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, और इसके बाद मैं ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखें आपके यहाँ पे ये सिंपल पार्ट, ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कवर किया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं देखूँ मेरे यहाँ पे शेप्स कैसा आ रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्या है, सिलेक्ट करो फ्लोर वाइज, यहाँ देखें ये पार्ट आपका यहाँ से, तो ये पार्ट आपका यहाँ से फ्लोर, ठीक है। एंड देन ये पार्ट आपको देखना स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, ये मैं बस कट आपका यहाँ पे, और देन यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करना स्टार्ट कर देता हूँ पे, ये पार्ट बस यहाँ से यहाँ तक आएगा क्या, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज़ों का स्टडी करते हो तो आपका यहाँ पे काम आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं मास्क कर देता हूँ, क्या कंट्रोल प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मास्क किया यहाँ पे, ठीक है। ये मास्क करने के बाद मुझे ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है।
उसके बाद यहाँ पे आईज वाला पार्ट भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट भी दिख रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, थोड़ा सा बेसिक लुक एंड फील देने के बाद। यहाँ देखें, यहाँ पे अभी साइड में गए, साइड में जाते मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मेरे पास एक मसल्स है, क्ले बिल्डर पे गए यहाँ से थोड़ा सा, या तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा स्कल्प कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है भाई, ये पार्ट आपका यहाँ पे स्कल्प किया मैंने ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए ऊपर से। जब स्कल्प किया तो मेरे पास यहाँ पे नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपके, यहाँ पे ये निगेटिव स्कल्प कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो ये मसल्स आपके पास इधर ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो स्टैंडर्ड ब्रश लेके आप यहाँ पे थोड़ा सा आप इन चीज़ों को हाईलाइट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्लोर पे गए, देखो दिख रहे हैं ये पार्ट आपने हाईलाइट किया, अभी ये हाईलाइट किया अपने फोकल शिफ्ट को कम करके। अभी ये चीज़ को मैं ऐसे में थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो मैं ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो शिफ्ट एंड स्मूथ धीमे धीमे उन स्ट्रक्चर को लेके आना। देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, अभी ये जो हमने यहाँ पे काम किया ये पार्ट मेरे पास कैसा आ रहा है, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं क्या यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मुझे जैसे भी चीज़ों को मैं मैनेज करना है तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा चीज़ों को दिखाता हूँ मेरे पास स्टेप्स कैसे जा रहा है और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे मैंने फ्लोर ऑफ कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं दिखाऊँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फ्लफी चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा स्कल्पटिंग के तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस यहाँ पे दे सकते हैं पे। ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ ऐसे भी कुछ कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, एंड डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी धीमे धीमे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं कि मैनेज कैसे क्या करें, ये देखना है। साइड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, साइड वाले पार्ट में आप फ्लोर पर जाओ तो फ्लोर पर आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्लोर मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो वेर इज द फ्लोर लोकल एंड परस्पेक्टिव यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो ये फ्लोर आ गया। अभी ऐसा दिक्कत ना हो तो मैं फाइल को सेव भी कर लेता हूँ, सेव मैंने कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करेक्टर PT1 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फाइल सेव करना ताकि रेफरेंस आपके साथ यहाँ पे दिखे। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर को समझता हूँ क्या यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूव टूल पे गए, मूव टूल से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों का दिखाया है भाई, यहाँ पे सेफ मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, ये पार्ट ऐसे और ये पार्ट आपका हल्का सा उठ रहा है। अभी उठने वाला जो पार्ट है उसके साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब मैं देखा भाई ये साइड रेफरेंस हमारे पास यहाँ पे कहाँ गया उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, फ्लोरिंग। ठीक है, तो ये हम लोग क्रॉस चेक कर ले, मेरा साइड रेफरेंस था यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट वेयर इज अवर साइड रेफरेंस, तो चीज़ थोड़ा सा गायब दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो कभी कहा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करेंगे। ठीक है, तो बहुत तो चीज़ें हम लोग ऐसे भी डील करते हैं, जैसे मैं फ्लोर ऑफ यहाँ पे पीछे का कुछ पार्ट आपको नहीं आइडिया मिल रहा था, आप ऐसे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्ले बिल्डर भी है, देखो थोड़ा सा फुलफिल करो आप यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करो। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस का पैसे फॉलो करो। अभी रेफरेंस में अगर देखें तो पीछे की तरफ मेरे पास पार्ट कैसे सिंपल सा पार्ट ऐसे जा रहा है, मसल्स अगर देखोगे आप यहाँ पे साइड के मसल्स आपके यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं कि भाई साइड का मसल्स जो जा रहा है वो आपका कैसे जाने वाला है, ये आपका फेस है, फेस के बाद आपके यहाँ पे चीज़ों को आप ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो। तो जब भी आप करेक्टर बनाओ तो करेक्टर बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे चीज़ें, ठीक है, आप यहाँ पे चाहोगे आप ड्रॉ आपने यहाँ पे काम किया। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे बैलेंस कर दो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे दिख जाए, यहाँ पे सिर्फ ऐसा कुछ दिखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा रेफरेंस को भी यहाँ पे डील करूँगा यहाँ पे मेरे पास कैसे पार्ट है। अभी जो मेरे पास नेक वाला पार्ट ये होता है क्या, अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर को देखूँ यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर देखो ये मसल्स मेरे पास यहाँ पे है, तो अभी मैं इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ जिसको मैंने दिखाया कि मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट है, तो बेसिक थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी के साथ भी थोड़ा सा डील किया हुआ है कि ये पार्ट जब मैंने यहाँ पे दिखाया तो मेरे पास ये पार्ट दिखा यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बाहर होगा, यहाँ से थोड़ा सा मैं अंदर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो क्ले बिल्डर से यहाँ पे थोड़ा सा आपने क्या किया, हल्का सा निगेटिव स्कल्पिंग कर दिया अपने यहाँ पे दुकान पर। नेक वाले पार्ट को आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सा शेप है, आप यहाँ पे थोड़ा सा निकाल दोगे आप यहाँ पे थोड़ा बेटर दिखने वाला आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, जूम कर दिया यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये जो पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाना है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, ये इसकी यहाँ से ये मसल्स मेरे पास यहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऐड ऑन किया यहाँ पे। ठीक है, इसका ये मसल्स मैंने थोड़ा सा यहाँ से अंदर कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये इन वाले पार्ट को तो सब मुझे मैनेज भी करना है, और मैं यहाँ से मूव टूल से देखो मूव टूल है मैं बस यहाँ पे मूव टूल से इसको मैं अंदर ऐसे और ऐसे ऐसे डील करूँगा, तो ये पार्ट आपको आइडिया मिल जाएगा कि मसल्स आपका कैसे जा रहा है। तो
थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी के साथ भी डील किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा समझना है कि भाई मैं अगर थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ तो कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखा पे मैं सेफ से मेरे पास यहाँ पे ये मैंने सेट किया, जॉलाइन मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो क्ले बिल्डर से मैंने यहाँ पे क्या किया, जॉलाइन थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से और देन ये पार्ट मैंने इधर से यहाँ पर प्रोमिनेंट मैंने जॉलाइन दिखाया है, यहाँ पर सेफ दिख रहा है ये लाइक दिस और देन ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया पे। ठीक है, ऐसे करके ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन कर दिया पे। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैलेंस कर देता हूँ, फिर मेरे से यहाँ पे नीचे का पार्ट थोड़ा सा आपको मैनेज कर देना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे, ये पार्ट आपको स्लैंड सा दिखेगा क्या कि आपका बेसिक सा पार्ट आपके सर दिखेगा, तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ठीक है, ड्रॉ साइज पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट। ठीक है, मैं चीज़ों का थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूंगा, मेरे शेप थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा तो मेरे अच्छा रहेगा, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को फुल एंड फाइनल थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, स्विफ्ट प्रेस करना, देखो स्विफ्ट आप यहाँ पे स्विफ्ट में कई बार आपका दूसरा ब्रश भी आ जाता है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आप स्विफ्ट प्रेस करो, स्विफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे दूसरा ब्रश चूज कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्मूथ ब्रश मुझे दिख रहा है, मैं स्मूथ ब्रश को यहाँ पे मैं पिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे स्मूथ ब्रश कहाँ है। ठीक है, तो लाइक मेरे इमेज सामने दिख रहा है, तो मैं पहले इमेज को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देन मैं एस प्रेस कर दूंगा, यहाँ पे एस ठीक है, यहाँ पे अगर ये वर्क करता है, स्मूथ है, स्मूथ क्लॉथ स्मूथ है दिस वन, तभी आपका ब्रश चेंज हो गया। स्विफ्ट प्रेस करो, तो आपको कभी ऐसा हो तो आप ऐसे भी चेंज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। कभी आपको डबल मैश हो जाए तो भी घबराना नहीं, कंट्रोल एन कर देना यहाँ पे। ठीक है, अभी आप चीज़ को मैनेज करके दिखाओगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, भाई मेरे पास ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ। यहाँ पे आर जी बी फिलहाल ऑफ कर दो, आर जी बी का काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने मैनेज किया। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैलेंस करता हूँ, पे बैलेंस करने के साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, रेफरेंसेस को मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, रेफरेंस मेरे पास कैसा और किस टाइप की चीज़ें यहाँ पे देखें यहाँ पे। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, साइड वाले पार्ट में जाकर देखो तो साइड वाले पार्ट में आपको दिखेगा कि ओके लाइक काइंड ऑफ यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्ट आपको नज़र भी आएगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग कर देता हूँ, मैं साइज थोड़ा छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर दूँ यहाँ पे, तो लाइक यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैलेंस कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या आईज का सॉकेट मुझे यहाँ पे देना, तो आईज के सॉकेट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक, ऐसे मैं थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस भी करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे आई का सॉकेट भी यहाँ पे काम करना है, आई के सॉकेट के साथ ये पार्ट थोड़ा सा आप भी है तो आपके साथ मैं थोड़ा सा डील करूँगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर रेफरेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा, देखा पे ये पार्ट आपके पास यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से आपके पास ये पार्ट आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे चीज़ों का मैनेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको तो देखिए कि भाई आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बेसिक से स्ट्रक्चर में तो ऐसा डेप्थ में बढ़ा रहा हूँ पे, ताकि आपको तो आइडिया मिल जाए कि मैं अगर यहाँ पर कोई भी काम कर रहा हूँ तो किसी भी काम को करने के लिए लाइक किस चीज़ को फॉलो किया जाए यहाँ पे। ठीक है, मैं तो साइड रेफरेंस को थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ, देखा पे साइड रेफरेंस पे गए यहाँ पे, तो देन आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या किया, मूव टूल लिया आपने यहाँ पे। ठीक है, और देन आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे कुछ करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ। ठीक है, ये आपको सिंपल सा पार्ट स्टैंडर्ड टूल पे गए, साइज मेरे पास यहाँ पे है तो साइज़ को मैंने छोटा कर दिया बिग बैकेट से, फोकल शिफ्ट है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, फोकल शिफ्ट है, फोकल शिफ्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंटेड करने की कोशिश करता हूँ, देखा पे देखें यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पर पॉइंटेड किया, और मैंने यहाँ पे इस चीज़ों को मैंने क्या किया, मैनेज कर दिया मैंने यहाँ पे ये पार्ट आपको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ आप ऐसे करके डिटेलिंग देना चाहते हो आप डिटेलिंग दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये आपने डिटेलिंग दिया, यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्माइलिंग दिखाया है तो यहाँ पर बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखा सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे यहाँ पे क्या है, ये अगर देखो मेरे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक दो चीज़ को और ऐड ऑन करके यहाँ पे देखो मैस कम है, कम के साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपनी चीज़ों के यहाँ पे मुझे मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मैनेज करके दिखाऊंगा यहाँ पे। अभी आईबॉल है, आईबॉल के साथ मैं कैसे डील करने वाला हूँ, आईबॉल मैंने पे देखा तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल सा पार्ट यहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, आई प्रेस कर दिया, इंसर्ट मैस, इंसर्ट मैस में गया और मैंने यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर दिया कि मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ। मैं ऐसे करके आई बॉल मुझे अगर बनाना भी है तो मैं पे चीज़ को मैं कैसे मैनेज करने वाला देखो। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस चेक करना है, यहाँ पे चीज़ों को आप ड्रॉ करते हो, ड्रॉ करते हो आपको यहाँ पे कैसे करना, मूव किया मैंने यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया,
ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं ऐसे थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे एक दो इमेजेस मैं आपके साथ और भी शेयर करता हूँ और फिर उसमें थोड़ा सा डिटेल करते हैं। क्या चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कुछ रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। मैं फिलहाल में ऐसे कुछ है लाइक दोनों का फेस अलग ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे तो जूम करके देखो, यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसा है थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा चीज़ों को कैसे मैनेज किया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे भी दिखाने वाला हूँ कि जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया कि मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मैं अगर यहाँ पे कट करना चाहूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ पे गया, यहाँ पे मैंने क्या किया कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे कट दिख रहा है, अभी यहाँ पे मैं कट करना चाहूँ, जैसे मैंने कट करा यहाँ पे, तो कट में आपको यहाँ पे चीज़ ऐसी भी दिखेंगे। अगर मैं मुझे थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ शेप देना पड़े तो मैं ऐसे भी चीज़ों को दिखा सकता हूँ। क्या अभी मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल जेड कर दिया, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स को थोड़ा देख लिया मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको डुप्लीकेट करा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो सर बेटर दिखे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया स्प्लिट ग्रुप स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, ओके कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं इस ख्याल से देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्प्लिट हो गई। क्या अभी यहाँ पे मैंने ग्रुप स्प्लिट किया तो वो सारे पार्ट आपके यहाँ पे देखें, सारे पार्ट आपके अलग अलग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी ग्रुप स्प्लिट के साथ डील करूँ तो वैसे भी काम करेंगे। यहाँ पे बस आई वाला पार्ट है, मुझे आई वाले पार्ट पे काम करना है, बाद में मैं डायनेमिक्स कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर लगे कि आप चीज़ों को आपको मैनेज करना है तो आप मैनेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री काम नहीं करेगी आपको यहाँ पे, थोड़ा सा मैं रेफरेंस को देखता हूँ, मेरे पास रेफरेंस में मेरे पास यहाँ पे ऐसा है, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड जा रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं काम करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, 1 2 मतलब कि टोटल में आके 3 कॉपी मैंने कर लिया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इस पर मैं गया यहाँ पे, ठीक है। अभी फर्स्ट वन ऊपर पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल शिफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, और मैंने ये पार्ट मैंने ऐसे करके दिखाया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे यहाँ पे कटिंग हो गया यहाँ पे, अभी ये कटिंग हो गया तो ये पार्ट मुझे ऐसे दिखाना, तो ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं हल्का सा स्केल करना चाहूँ, ठीक है, तो स्केल में कर सकता हूँ यहाँ पे, दिखाया आप इसको सेलेक्ट करो, आप यहाँ पे हल्का सा स्केल करना चाहो तो स्केल देखो, आप स्केल होता नहीं होता, क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया फोकस फोकस देखिए आपके यहाँ पे, तभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने लोकेशन पे कर दिया, वही लोकेशन ये लोकेशन मेरे पास यहाँ पे आकर फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं हल्का सा इसे स्केल करके देखा यहाँ पे, तो स्केलिंग मैंने किया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्केलिंग करना चाहो स्केलिंग कर सकते हो, अदरवाइज आपको लगे कि भाई थोड़ा सा अच्छा काम करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे नीचे वाले पे आ जाओ, नीचे वाले पे आ गए, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी कटिंग कर देना है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और देन ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे देखो मेक श्योर डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ऊपर कटिंग होगी, नीचे वाला पीछे वाला पार्ट ये नीचे वाला पार्ट आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ये देखो आप यहाँ पे ऐसे मैनेज कर दोगे तो आपको यहाँ पे अभी नीचे की तरफ जा रहा है, मुझे नीचे की तरफ नहीं चाहिए, मुझे इधर से इधर चाहिए, तो ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा फोकस, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया ये ऐसे करके मैंने कट कर दिया यहाँ पे, तो आप कट कर दोगे आप यहाँ पे, देखो ये नीचे वाले पार्ट में ऐसा कुछ आपको दिखेगा, तो आप बीच वाले पार्ट को एक बार ऑफ करके देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा अपर पार्ट ऐसा है, देखो ये बेसिक से स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको आप सेलेक्ट करो, इसको आपने क्या किया ऊपर कर दिया तो ऊपर ही आ गया, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करके आप मर्ज कर दें यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, मर्ज डाउन ओके कर दिया, तो दोनों मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। अभी मर्ज ये हो गया है, ठीक है। मर्ज होने के बाद यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मूव टूल है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, फोकस करो आप यहाँ पे फोकस, ठीक है, ये अपने लोकेशन आप सेट कर दें यहाँ पे, फोकस कर दिया आपने यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्केलिंग, देखो स्केलिंग है हल्का सा, स्केलिंग आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, इसको ऑन कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे सेट कर दिया, फोकस कर दिया आपने यहाँ पे, तो आप चीज़ों को मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है, इस वाले पार्ट को अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, क्लिक हियर एंड दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, यहाँ पे देखें ये पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मैनेज करोगे तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा, स्केलिंग है, स्केलिंग आप कर सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा सा बैलेंस करो ऐसे करके आप चीज़ों को दिखा सकते हो। अभी आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ये आपने क्या किया इस वाले पार्ट को, थोड़ा सा आपको बॉर्डर चाहिए, मैं हल्का सा स्केलिंग किया, बॉर्डर थोड़ा सा सॉलिड दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, और देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से मैंने मैनेज कर दिया। तो ये छोटे से पार्ट के लिए मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, मूव टूल पे गए और यहाँ पे मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया, अभी यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, ध्यान देना क्या, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये पार्ट आपका डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, स्विच है यहाँ पे आपको देखिएगा। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना है कि मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आईज को थोड़ा सा सेट करने वाला हूँ,
ठीक है। और आइस के साथ में यहाँ पे क्या मूव रोटेट, यहाँ पे रोटेशन पे है, यहाँ पे देखो रोटेशन पे गया हम लोग, यहाँ रोटेशन देते हैं, यहाँ पे देखो रोटेशन है कि नहीं, देखो साइड वाइज आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, कि ऐसे आपने दिखाया कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ऑल्ट वॉन्ट ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं बाकी चीज़ को मैंने अभी जो ग्रुप स्प्लिट करके मुझे बाकी की नीड नहीं है, तो मैं अभी धीमे 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 आई बॉल को इनको और इसको मैं तो और इनको मैंने क्या किया लाइक आप सबसे ऊपर ऊपर लेके जाओ, ठीक है, या सबसे नीचे लेके जाओ आप, ये देखो देखें यहाँ पे ऐसे करके मैनेज कर दो, इस वाले पार्ट को भी सबके आप ले जाओ, ठीक है। बाकी पार्ट आपके जो हैं उनको आपको क्या करना है, सेम मर्ज विजुअल करके देखो, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे क्या करते हैं मर्ज डाउन, मर्ज डाउन करो, एक एक करके आप मर्ज डाउन करके मैनेज कर सकते हो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक जोड़ देते हैं यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो मर्ज डाउन कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके ऐसे में मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, ओके। जितने पार्ट हमने काम करके सारे पार्ट अलग हो गए थे क्योंकि हमने ग्रुप स्प्लिट किया था, तो हमें यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखाना भी था कि आप यहाँ पे ग्रुप स्प्लिट करते हो तो देखो क्या क्या चीज़ फेस कर सकते हो आप यहाँ पे, आपको आइडिया भी मिल जाएगा। डिसलेक्ट किया आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो मास्किंग है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ये कंट्रोल एंड डिसलेक्ट, ठीक है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये चीज़ को मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो एक ब्रैकेट पे गए, ठीक है, यहाँ पे मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ पे, ओके। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ आपके पास ऐसा दिख रहा है मेरे पास, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे क्या डबल है या फिर ऐसा कुछ पार्ट है, तो मैं यहाँ पे मूव पे गया, मूव कहाँ जा रहा है यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, तो मुझे भी यहाँ पे क्या काम करना है, अभी डिसलेक्ट किया मैंने ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ देखो ये पार्ट आपका अलग दिख रहा है, तो ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो मेक श्योर मर्ज डाउन, ओके, ठीक है, मर्ज डाउन। देखो कितने पार्ट पे हमने मेहनत की, जितने पार्ट पे हमने मेहनत की ना वो सारा पार्ट आपको यहाँ पे अलग से देखिए, यहाँ पे देखो कोशिश करना अलग अलग बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो एक में से बनाओगे बन तो जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको मेस की लाइक दिक्कत आएगी क्या, तो आप थोड़ा सा मैनेज करो तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा सा देखिए, मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, देखो शेप प्रेस किया मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ों को समझे, तो मैं शेप्स कैसा है ये देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे देख रहा था मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया यहाँ पे और साइड से ये ऐसा और थोड़ा सा ये पार्ट में अंदर की तरफ, ठीक है यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, ओके, तो ये अंदर की तरफ है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको देखा यहाँ पे बीच वाला पार्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या किया थोड़ा सा परमानेंट चीज़ों को मैनेज करना है मुझे, अभी मैं डिटेलिंग पे नहीं जा रहा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे डिटेलिंग पे हम लोग थोड़ा सा नहीं कर रहे, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा काम कर लेते ताकि थोड़ा सा चीज़ें देखें यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देने को, ये देखें यहाँ पे आपने स्मूथ किया ऐसा कुछ हो गया, तो अभी इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डायनेमिक्स मुझे करना पड़ेगा ताकि सब कुछ जोड़ जाए। डायनेमिक्स करते हो तो डायनेमिक्स डिटेलिंग चली जाती है, भी ध्यान देने के डायनेमिक्स जब आप डिटेलिंग अगर खो दे रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रेजोल्यूशन पे गया और आपने क्या किया लाइक 512 आपने कर दिया, देन आपने क्लिक किया यहाँ पे डायनेमिक्स, आपकी डिटेलिंग नहीं जाएगी क्या, ऐसे आप बेसिक स्ट्रक्चर का आप यहाँ पर देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा करके हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में हमने इतनी ब्लॉकिंग की, चलो इसको हम लोग और आगे कंप्लीट करेंगे क्या।